munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. And today I am here to share with you कि हिंदी के बाद इंग्लिश कैसे पढ़ना है. आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों का हिंदी पेपर अभी तक हो चुका होगा. कई बच्चे स्कूल से घर पहुँच चुके होंगे, कई बच्चे आ रहे होंगे. तो बेटा पहली बात तो कोई बात नहीं, पेपर जैसा भी गया उसे भूल जाओ. अच्छा गया है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं गया है तो आने वाले पेपर्स पर अब फोकस करना है. तो बेटा अब आपके हिंदी के पेपर के बाद आपके पास हार्डली कुछ दिन बचते हैं और नेक्स्ट एग्जाम आपका मेजर जो है वो इंग्लिश है मंडे को. तो इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन है कि उस गैप को यूटिलाइज करके हम कैसे अपनी इंग्लिश को परफेक्ट कर सकते हैं. तो अगर आपको भी ये इशू है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जहाँ पे मैं आपके साथ एक डेली स्केड्यूल शेयर करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि हर दिन आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है. तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड विदाउट एनी फर्दर डू आगे बढ़ते हैं. इसके साथ साथ बच्चा अगर आपको स्टडी मटेरियल में कहीं पर भी कमी लग रही है तो मैं आपको बता दूं कि वेदांतों की तरफ से आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है, जहां पे आपको हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 3 सैम्पल पेपर्स अलॉन्ग विद आंसर कीज दे रहे हैं, इंग्लिश इंक्लूडेड. उसके अलावा हम आपको 20 PYQs दे रहे हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड हम आपको चैप्टर वाइज नोट्स दे रहे हैं. एंड फॉर टू यू नो अवेल ऑल ऑफ दिस यू गॉट टू डू नथिंग, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो यू गाइस आर करेंटली वॉचिंग एंड गो टू द फर्स्ट लिंक गिवन इन इट. एंड वंस यू क्लिक ऑन इट, क्लिक करते ही इट वुड आस्क यू टू साइन इन. अगर अभी तक आपने वेदांतों में कभी साइन इन नहीं करा है, वंस यू गिव योर बेसिक इन्फॉर्मेशन यू विल ओपन अ PDF, जहां पे लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने एक पूरी की पूरी यू नो शीट खुल जाएगी और वहां पर आपको हर चीज, हर नोट्स अवेलेबल होंगे जिसे आप अपने फोन पे कंप्यूटर में डाउनलोड करके सेव कर सकते हो इन PDF फॉर्मेट. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज उसका फायदा उठाइए. मूविंग अहेड, चलिए अब आप डिस्कस करते हैं कि हिंदी के बाद इंग्लिश पढ़ना कैसे. पहली बात तो हिंदी के बाद दिन कितने बचते हैं. आज बेटा देखो वेंसडे है, वेंसडे है तो मतलब दिन कौन से बचे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और आज का आधा वेंसडे. देखा जाए तो ओवरऑल आपके पास है 4.5 days. 4.5 days में आपको तैयारी करनी है रीडिंग सेक्शन की, राइटिंग सेक्शन की, आपको ग्रामर सेक्शन की और लिटरेचर सेक्शन की भी तैयारी करनी है. अब इन चारों दिन को सबसे पहले देखो मैं डिवाइड कर चुकी हूँ कि यूटिलाइज किस तरीके से करना है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आपको पढ़ना कहाँ से है और डेली स्केड्यूल कौन सा फॉलो करना है. तो भाई सबसे पहले वेंसडे की बात करते हैं. वेंसडे में ऑब्वियसली आप लोग बहुत ज़्यादा थके हुए होंगे, हिंदी के लिए कल इतनी सारी पढ़ाई करी है, मन नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ें. तो मैं आपका डे आज बहुत लाइट रख रही हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, बट हर NCERT के चैप्टर की रीडिंग मारनी है, ठीक है. और अगर चैप्टर्स की रीडिंग आप थर्ली कर चुके हो तो इन सबके एक एक वन शॉट देख लेना. ऑल वन शॉट्स आर अवेलेबल ऑन द चैनल एंड कोई भी वन शॉट मेरा 15 या 20 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, ठीक है. तो सारे अगर NCERTs के आप चैप्टर्स और ये सब देखोगे तो 28 चैप्टर्स हैं आपके पास. लेट्स टेक ऑन एवरेज 30 चैप्टर्स हैं, कुछ के पार्ट्स भी हैं. 30 चैप्टर्स हैं, अगर 20 मिनट्स हर एक में लग रहे हैं तो 13 × 20 कितना हो गया, 600, ठीक है. ये तो बहुत ज़्यादा कर दिया, 10 मिनट लगने चाहिए आपको हर चैप्टर को रीड करने में. 13 × 10 कितना हो गया, 300 divided by 60 कितना हो गया, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5 आवर्स. 5 आवर्स अब मैं ये नहीं बोल रही कि आपको एकदम से लगा दे रहे. आप बोलोगे मैं 5 घंटे कौन पढ़ेगा 5 घंटे, ये मैं 5 घंटे 30 के लगा रही हूँ, 5 आवर्स से कम ही लगने, 4.5 आवर्स के आसपास ही लगेंगे. तो अब जैसे अभी 2:30 बज रहे हैं तो आप लोग 3 या 4 बजे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो. 4 to 6 एक स्लॉट बैठो, 6 to 7 अपना ब्रेक लो, 7 to 9 एक स्लॉट बैठो, या 7 to 8 डिनर कर लिया, फिर रात को 9 to 11 एक स्लॉट बैठो. इस तरीके से आपके आराम से 5 घंटे हो जाएंगे और आपके चैप्टर्स पढ़ लोगे. आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप पढ़ चुके हो तो एक बारी रीड मारने में बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगेगा भी नहीं. बट ये NCERT के चैप्टर्स को पढ़ना या उनके वन शॉट देखना आज काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आप कल से जब आप पढ़ाई करने बैठो तो आपको स्टडी मटीरियल को ना देखना पड़े. अब थर्सडे की बात करते हैं. थर्सडे को आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिटरेचर से रिलेटेड सारे PYQs, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर PYQs थर हो चुके हैं तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करो, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस करो, NCERT के क्वेश्चंस करो, बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. पूरा दिन आपका इसी में लगना चाहिए और कुछ आपको नहीं करना है. जितने क्वेश्चंस मिलते हैं, जहां से मिलते हैं, सब छान मारो और सबकी प्रैक्टिस कर डालो, ताकि ये 40 मार्क्स का जो लिटरेचर है ना आपका, और अगर कल अगर नहीं कंप्लीट हो पाया था रीडिंग तो आज रीडिंग भी कर सकते हो थर्सडे को बेसिकली. तो आप ये 40 मार्क्स के लिए एब्सोल्युटली थरो हो जाओ. अब फ्राइडे की बात करते हैं. मैं थर्सडे के बाद डायरेक्ट सैटरडे आ गई, क्या बात है, महान दिन, ठीक है. थर्सडे के बाद फ्राइडे की बात करते हैं. फ्राइडे को आपको कुछ नहीं करना है, फ्राइडे को आपको अपने रीडिंग और राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. रीडिंग सेक्शन के लिए आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आपको करनी है PYQs से, ठीक है. आपको प्रैक्टिस करनी है रीसेंट सैम्पल पेपर से. राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस के लिए भी अगेन आपको सेम रिसोर्सेज का यूज करना है.
अगर आपको वोकैबुलरी रिलेटेड, आपको फॉर्मेट रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, इनके लिए टिप्स वगैरह सब कुछ मेरे आजकल आने ही वाले हैं, ठीक है, तो प्लीज़ उनको देख कर प्रैक्टिस करिएगा। तो फ्राइडे को हमने रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस कर ली, राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस कर ली, मतलब हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, सीधा सीधा 30 मार्क्स की प्रैक्टिस तो यहीं से हो गई। अब लास्ट में आ जाते हैं सैटरडे एंड संडे में, ठीक है, संडे के साथ साथ यहाँ पे सैटरडे भी इंक्लूडेड है। सैटरडे एंड संडे में आपको कुछ नहीं करना है, ग्रामर और सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करने। चाहो तो सैटरडे के आधा दिन में, हाफ डे का काम है ग्रामर, क्योंकि आपको वन शॉट सारे के सारे ग्रामर के मैं करवा दूंगी, ठीक है, करवा चुकी हूँ राधर पहले से, और मेरा कोई भी वन शॉट 30 मिनट से ऊपर नहीं है। 5 टॉपिक्स ओवरऑल आपके ग्रामर के बनते हैं, तो 2.5 घंटे के अंदर अंदर आप सारे के सारे वन शॉट्स देख सकते हो। वन शॉट्स देखने के बाद आपको 1 से 1.5 घंटा करने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और ये क्वेश्चंस होने चाहिए न्यू। ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि प्लीज़ ग्रामर के आपको नए क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने हैं। डू नॉट प्रैक्टिस ओल्ड क्वेश्चंस बाय मिस्टेक एज वेल, बिकॉज ओल्ड क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी याद हो चुके होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ नए क्वेश्चंस के सेट प्रैक्टिस करो। आप चाहो तो यू नो गूगल की हेल्प लो, कोई नई सैम्पल पेपर बुक ले आओ, एनीथिंग यू कैन यूज एनी रिसोर्स, बट न्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, और फिर उसके बाद सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करने। सैटरडे को आप 1 सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपका पूरा का पूरा हो चुका है सिलेबस। उसके बाद संडे को आपको 2 सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, और ये सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस इस तरीके से होनी चाहिए कि आप 3 आर का स्लॉट बनाओ, और 3 आर आपको उठना नहीं है, ठीक है। रीडिंग टाइम भी लोगे आप 15 मिनट का, 3 आर्स बैठोगे, उसके बाद आने वाले आधा घंटा आप उसको रिव्यू करोगे कि हुआ क्या था, या फिर पहले सारे सैम्पल पेपर्स कर लो, उसके बाद उसे लास्ट में रिव्यू करो। रिव्यू के लिए आप ब्रेक ले सकते हो, बट ये 3 आर के स्लॉट में होना चाहिए, सो दैट यू गाइज कैन अंडरस्टैंड कि आप अपना पेपर जो है ऑन टाइम कंप्लीट कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे। और अगेन सैम्पल पेपर्स भी नए होने चाहिए, वो सैम्पल पेपर्स नहीं उठाने हैं जो आप प्रैक्टिस कर चुके हो। अगर अभी तक आपके पास जो सैम्पल पेपर की बुक है आप यूज कर चुके हो एंटायरली, गो टू द मार्केट एंड गेट अ न्यू सैम्पल पेपर बुक प्लीज। बट मेरा सजेशन ये होगा सैम्पल पेपर्स नए प्रैक्टिस करो, ताकि आपको एक अच्छे फ्रेश माइंड से पता चल चुके कि आपका जो पूरा का पूरा यू नो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट का, वो कितना स्ट्रांग हुआ है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिवाइड योर डेज। नाउ लेट्स सी कि आवरली बेसिस पर आपको कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। एक डेली स्केड्यूल जो है, ये सेम डेली स्केड्यूल है जो आई गेस मैंने आपके साथ मंडे को शेयर करा था 7 डेज का स्केड्यूल देने के लिए, सेम स्केड्यूल शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अब ये स्केड्यूल में मैं आपको बहुत प्यार से यू नो स्लीपिंग आवर्स दे रही हूँ, बहुत तमीज के दे रही हूँ, कि मतलब आपको ऐसा भी ना लगे कि आपका बहुत ही हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है, आपको ब्रेक्स नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम वेकिंग यू अप एट 8 AM, 8 बजे उठो आराम से, 9 बजे तक फ्रेशन अप हो जाओ, ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, नहाना धोना भाड़ भी। 9 से 11 आपका फर्स्ट स्टडी सेशन है, अब ये फॉलो होगा आपका सैटरडे तक, जब तक आप सैम्पल पेपर्स नहीं कर रहे। 9 से 11 फर्स्ट स्टडी सेशन है, 11 to 11:30 आपका ब्रेक है, फ्रूट्स ब्रेक ले लो, इस टाइम पे ब्रेकफास्ट करना है तब कर लो। 11:30 to 1:30 आपका सेकेंड स्टडी सेशन है, 4 आवर्स यही हो गए। 1:30 to 2:30 आपका लंच है, रेस्ट करो, आधा घंटा लंच करो, आधा घंटा एक यू नो स्लीप लो थोड़ा। 2:30 to 4:30 आपका थर्ड स्टडी सेशन है, 6 आवर्स डन, मोर देन इनफ है 6 आवर्स, बहुत आराम से। फिर 4:30 to 5 आपका अगेन एक ब्रेक है, टी ब्रेक लो, थोड़ा वॉक करने जाओ, ठीक है, थोड़ा निकलो रूम से। 5 to 7 PM आपका फोर्थ स्टडी सेशन है, अगेन 8 आवर्स हो चुके, वॉट डू यू नीड। फिर 7 to 8 PM आप डिनर करो, इन केस योर डिनर टाइम इज लेटर देन दैट, तो आप चाहो तो ठीक है आप उसे 7 to 7:30 ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद जब भी आपका डिनर है उस टाइम करो, उससे पहले पढ़ाई कर लो, दैट इज अप टू यू, आप अकॉर्डिंग टू उसे मोल्ड कर सकते। फिर 8 से 10 बजे तक आपका फिफ्थ स्टडी सेशन है, अगर आप ये दो सबको ही मिला दोगे आपके 10 आवर्स की स्टडी यहाँ पर हो रही है विदाउट डिसरप्टिंग योर डेली स्केड्यूल एंड स्लीप एज वेल। और 10 बजे मैं आपको स्लीप करने के लिए बोल रही हूँ, और अगर आप 10 से 8 बजे तक का टाइम देखोगे आराम से आपको कितने मिल रहे हैं, 10 घंटे, 10 घंटे कोई नहीं सोता है, करेक्ट, 8 आवर्स की स्लीप मोर देन इनफ है, तो आप 1-2 आवर्स चाहो तो रिलैक्स कर सकते हो आराम से, यू नो जो चाहो तो कुछ भी आप यू नो यू कैन वॉच समथिंग, यू कैन चिल विद योर पेरेंट्स, सिट डाउन विद देम, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। बट दिस इज अ स्केड्यूल दैट यू हैव टू फॉलो। अब अगर संडे को आप ये स्केड्यूल फॉलो कर रहे हो तो लाइक आई सेड 3-3 आवर्स के स्लॉट होंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि 9 से 12 बजे तक आपका एक स्लॉट बनेगा, ठीक है, 9 से 12 बजे तक या 12:30 तक, क्योंकि रीडिंग टाइम भी इंक्लूडेड है। फिर उसके बाद आप उसे चेक कर सकते हो, 12:30 से एक ब्रेक ले लिया, 1 से 1.5 चेक कर लिया, 1:30 से 2.5 आपने लंच कर लिया,
ठीक है, फिर उसके बाद 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का आपका एक स्लॉट बनेगा, क्योंकि 3 से 6 प्रैक्टिस करी, रीडिंग टाइम वगैरह इंक्लूड करा, देन 6 o'clock आपने एक ब्रेक लिया, 6:30 ठीक 6:30 तक, और 6:30 to 7 आपने उसे चेक कर लिया। उसके बाद रात को मैं आपको कुछ करने के लिए नहीं बोलूंगी, बोलूंगी रिलैक्स करो। सीधा जब एग्जाम होगा, एग्जाम डे जो होगा मंडे को, ठीक है, मंडे को मैं आपका रिविजन सारा का सारा करवाऊंगी 6 AM, तो रिविजन की भी जिम्मेदारी मेरी है, 6 AM to 8 AM मैं ही आपका रिविजन करा रही होंगी, तो उसको ज्वाइन कर लेना। और कुछ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, दिस इज हाउ यू हैव टू डिवाइड योर एंटायर डेज, ठीक है, जो आने वाले दिन है, ताकि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर सको, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, और साथ ही साथ मैं आपको आईवी सेट के बारे में बता दूं, विच इज इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। तो अगर आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th में हो, जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, फाउंडेशन के क्लासेस चाहते हो, कॉस्ट रिड्यूस करना चाहते हो, दिस इज वन गुड स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर यू, जहां पे आपको 70% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। गाइज आपको पता है वेदांतु के बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स ऑलरेडी इंडिया में खुल चुके हैं, जहां पे जाकर आप आराम से ये टेस्ट लिख सकते हो, और आपको यू नो फ्री 1-to-1 काउंसलिंग सेशन भी मिलेगा हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, जो आपको करियर के लिए गाइड भी करेंगे। इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आई गेस। उसके अलावा बच्चा पार्टी, ठीक है, आपको पता है कि दीज आर सम ऑफ दी सिटीज जहां पे ऑफलाइन सेंटर्स खुल गए हैं, और जगह भी खुल रहे हैं, ठीक है, आप यहां पर कहीं इनमें से किसी भी एक सिटी में अगर अवेलेबल हो, सो गो हेड, अपना एग्जाम वहां दो, और अपना स्लॉट बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक पर क्लिक करो, वहां पे अपनी डिटेल्स फिल इन करो, आपको सब मिल जाएगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अवेल दिस अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। सो दैट्स इट गाइस, आल्सो दिस माय इंस्टाग्राम हैंडल, फील फ्री टू पिंग मी ओवर हियर एज वेल, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, आर टेलीग्राम चैनल रादर, प्लीज ज्वाइन अ कम्युनिटी ओवर हियर एज वेल फॉर PDF BTS एंड रिमाइंडर्स ऑफ सच अमेजिंग सेशंस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लास्टली गाइज, यू नो द ड्रिल, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, फाउंड इट हेल्पफुल, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। सो बाय गाइज, हास्ता ला वीस्ता, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।